आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे आ रहे, अब बराबर आएंगे बंगाल को। माम माटी और मानुष का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया। बंगाल में ओवैसी की एंट्री ममता के लिए खतरे की घंटी। हम लोग ये नहीं देखते कि किसको फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा। ममता का खेल बिगाड़ेंगे भाईजान, किधर जाएंगे बंगाली मुसलमान। एक 110 सीटों पर बिगड़े का खेल, ओवैसी करेंगे ममता का वोट बैंक फेल। देख रहे कि साजिश करने वालों ने दिल्ली में क्या किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। फिर फिरा के मुस्लिम वोट, मुस्लिम के पर खाली मुसलमान ही वोट डालते, दूसरे वोट नहीं डालते इलेक्शन में। मुस्लिम वोटर्स पर महाभारत, ओवैसी रोकेंगे ममता का विजय रथ। जीत के लिए टीएमसी ने झोंकी ताकत, सड़कों पर बम, आगजनी की दहशत। हैदराबाद विधान चुनाव में जीत का जश्न मनाने के साथ ही ओवैसी ने बंगाल में चुनावी ताल ठोक दी। AIMIM अब बंगाल के मुस्लिमों पर सियासी जादू चलाने की तैयारी में जुट गए। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, यहाँ टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद के चुनावी नतीजे आने के बाद ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ली। मुर्शिदाबाद समेत मुस्लिम बहुल 16 जिलों में ओवैसी की पार्टी ने सक्रियता बढ़ा दी। वोटर जो है ना भारत का, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की जागीर नहीं। वोटर एक इंडिपेंडेंट भारत का शहरी है, बाइज्जत शहरी है। वो जिसको चाहे वोट देगा अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक। तो ये कहना कि नहीं आप मत जाइए, आप आइए, मैं क्या अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मैं चूज कर सकता हूँ कि नहीं इनसे मुकाबला करूंगा, इनसे नहीं करूंगा। ये तो डेमोक्रेटिक राइट है हर एक का कि इलेक्शन लड़े। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि तीनों दलों के लिए मुस्लिम ही बड़ा वोट बैंक है, जबकि तीनों पार्टियों के लोग ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए। ये भले ही मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, लेकिन इसका संकेत और संदेश बहुत दूर तक असर दिखा सकता है। ओवैसी की एंट्री ने पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव और हैदराबाद नगर निगम की ताजा जीत ने ओवैसी और AIMIM के हौसले बढ़ा दिए हैं, इसलिए उन्होंने बंगाल का रुख कर लिया है। उनकी पार्टी का झंडा लहराने के बाद चुनावी हवा का रुख बदलने की आशंका है, और ये बदलाव टीएमसी पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि भाईजान की चुनावी एंट्री का मतलब है ममता के मुस्लिम वोटों का।